मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसी सिलावट के द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मंत्री महोदय के द्वारा जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण भी किया गया। साथ ही मंत्री महोदय ने वहां पर मरीजों की समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। इस संबंध में CMHO डॉक्टर SP जैन को आश्वासन दिया एवं साथ ही दिशा निर्देश भी दिए। श्री सिलावट ने पत्रकारों से बात करते हुए जिला चिकित्सालय को और भी दुरुस्त करने की बात कही। वहीं कुमराज में एक प्रसूता के गर्भाशय में कपड़ा छोड़े जाने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि जांच के उपरांत दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मंत्री जी जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। वहीं मंत्री जी ने कहा कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को भी जल्द दूर किया जाएगा। कितने महीने से पड़ा हुआ सर? पहले से जगह खराब हुआ, अब जगह खाली नहीं है। कल 77 की निकल सर। ये डॉक्टर साहब, सर डॉक्टर इसी तरह सर 77 की सर हमारे बच्चा है ना, 13 साल से कक्षों में 5,000 मिलते हैं, 3,000 मिलते हैं, उसकी शादी तक नहीं हुई, वो कक्षों में है। फिर अभी तक नहीं कुछ हुआ, और हमारे कुत्ते ने काट लिया, 2 महीने हो गए चलती नहीं, मैंने छूट लिया। फिर बगल में खड़े वही देंगे ऑपरेशन होना है। डॉक्टर बोला कर मैम, कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताओ। ठीक है, थपको सभी मेरी कोशिश है कि मेरे जिले का अस्पताल ठीक हो। जो हमारे मरीज आते हैं इलाज के लिए, उपचार के लिए, उन्हें डॉक्टर समय पे मिले, दवा समय पे मिले, उपचार व्यवस्थित हो, आचरण और व्यवहार उचित हो, इसी उद्देश्य को लेकर मैं जिला अस्पताल में आया था। क्योंकि आप जानते हैं कई वर्षों से जो कमी है डॉक्टरों की, आज से नहीं, वो डॉक्टरों की कमी 100 नहीं 200 नहीं, हजारों डॉक्टरों की कमी है। जो इसलिए उसको मैं डॉक्टरों की कमी को, हमले को ठीक करने का प्रयास मैं करूँगा। क्योंकि 15 वर्षों से डॉक्टरों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा है, ये आप सबको पता है। मेरे इस जिला अस्पताल में समाज का वो व्यक्ति आता है जो शोषित है, पीड़ित है, मध्यम वर्ग का है, गरीब है, हम उस स्वास्थ्य वर्ग उनकी सेवा करने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारी जिम्मेदारी है उस व्यक्ति का इलाज करें, हमारी उस माँ का, उस बेटे का, उस वर्ग का जिसको इलाज की। डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने क्या खाका तैयार किया, किस तरीके से कमी को दूर किया? मैंने आपको बोला ना, अति शीघ्र अभी आपको प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि जब 15 वर्षों से भर्ती पर प्रतिबंध हो, अभी हम लोगों को मात्र 45 दिन हुए हैं और 38 बिंदु हमारे वचन पत्र में स्वास्थ्य विभाग के।
भाई तो बीरागंज के मामले में भी एक कपड़ा ग्लेवी के शेड में कपड़ा रह गया था, ग्लेवी होते हुए 8-15 दिन से कपड़ा रह गया था, उसको इन्फेक्शन हो गया, इतनी लापरवाही करी तो साथ में जो उनको उसकी पूरी जांच कराई जा रही है, उसकी विवेचना कर रहे हैं जी, और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।